तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि आप फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी एक नया फ़ोन लेके आते हो ना, तो आपको एक फेसबुक अकाउंट उसमें खोलना पड़ता है। अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं तब भी, अगर आप ऐसे ही किसी मजे के लिए फेसबुक अकाउंट खोलना चाहते हैं टाइम पास के लिए तब भी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको फेसबुक से पैसा कमाना है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने दोस्तों अपने चैनल पर बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं फेसबुक की और यूट्यूब की, आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका मैं कंप्लीट टोटल बता दूंगा कि पुरानी ईमेल आईडी पे आपको फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और अगर आपके पास पुरानी ईमेल आईडी कोई भी नहीं है तो आपको न्यू ईमेल आईडी बना के उस पर फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यानी कि आपको फेसबुक कैसे चलाना है। दोस्तों चुटकियों में यूं आपको सिखा दूंगा कि आपको फेसबुक कैसे चलाना है, और सिर्फ 5 मिनट का मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों आगे चल के भविष्य में ना आपको कोई भी दोस्तों वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फेसबुक के बारे में, कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाएं, फेसबुक से पैसा कैसे कमाएं, और फेसबुक दोस्तों ईमेल आईडी कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे फेसबुक आपको अकाउंट बनाना है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लेंगे ना यूट्यूब पर, आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास एक से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट है, 2 या 3, अगर आपको उसको परमानेंटली डिलीट करना है ना, ताकि कोई भी बंदा आगे चल के उसका मिसयूज़ ना कर सके और आपको कोई परेशानी ना हो, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको फेसबुक पेज को डिलीट करना है परमानेंटली, या अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना है, यानी कि एक से ज़्यादा अगर आपसे गलती से फेसबुक अकाउंट बन गए हैं, तो चलिए दोस्तों पहले तो आपको सिखा देता हूँ आपको फेसबुक अकाउंट कैसे बनाना है और फेसबुक को कैसे चलाना है। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो चलिए दोस्तों आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल स्क्रीन की और दोस्तों अपने मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद पहले तो आपको अपना इंटरनेट को ऑन कर लेना। चलिए दोस्तों मैं अपने इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों इंटरनेट को ऑन करने के बाद आपके पास एक प्ले स्टोर की आईडी बनी होनी चाहिए, यानी कि आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होना चाहिए। अगर आप वैसे तो दोस्तों गूगल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक को, बट मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, यानी कि आपको डाउनलोड करना है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं प्ले स्टोर में। दोस्तों प्ले स्टोर में आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहीं पर आपको सर्च बार मिलेगा, यहाँ पर आपको दोस्तों टाइप कर देना है फेसबुक। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं फेसबुक। यहाँ पर आप फेसबुक टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको आपको कर लेना है डाउनलोड। ठीक दोस्तों हमारा फेसबुक डाउनलोड हो गया और यहीं से हम इसे ओपन कर लेंगे। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा ऐसा दोस्तों यहाँ पे सर्चिंग थोड़ी लेगा, और सर्चिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ से ऐसे कर लेंगे हम ओपन। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जब आप इसे फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है, तो पुरानी जीमेल आईडी है, तो आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे है लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट। अगर आप इसमें कोई भी आईडी लगा के भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको फाइंड योर अकाउंट पर क्लिक करना है और आपकी आईडी यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपके पास कोई भी आईडी नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू अकाउंट फेसबुक पे कर सकते हैं। ओके चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे कर देते हैं ओके। दोस्तों यहाँ पे अभी नेक्स्ट बता रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, आपका पुराना अकाउंट इसमें खुल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी जीमेल आईडी पहले से नहीं है तो आप यहीं पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करने के बाद यहाँ पे अलाउ कर देना है, और यहाँ पे फिर से आपको अलाउ वगैरह कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप किस नाम से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम एक नाम डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, और यहाँ पे अपना सेकंड नेम डालेंगे, और यहाँ पे आप दोस्तों नेक्स्ट के बटन पे कर देंगे क्लिक। अभी दोस्तों यहाँ पे अपना एक डेट जन्म चूज़ करेंगे, जो भी आपका जन्म है। यहाँ पे दोस्तों हम एक अपना दोस्तों जिसका हम मेल आईडी बना के दे रहे हैं उसका हम एक जन्मतिथि चूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ से हम उसका जन्मतिथि चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आपसे पूछेगा ये लेडीज़ के लिए बनाना है या दोस्तों जेंट्स के लिए बनाना है। दोस्तों हमें जेंट्स के लिए बनाना है, तो यहाँ से हमें लेडीज़ के लिए नहीं बनाना है, यहाँ से हम मेल कर देंगे। मेल करने के बाद हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर अपना वो वाला नंबर देंगे जो आप इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, जो आप इसके साथ लिंक करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों हम वो वाला फोन नंबर यहाँ पे दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने आपने एक मोबाइल नंबर दे दिया है, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अपना एक पासवर्ड देना है। जैसे कि आपको पासवर्ड क्या देना है मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे अपना एक पासवर्ड आप दे सकते हैं, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कौन सा पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अपना हम पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने ये पासवर्ड दिया। और यहाँ पे आप पीछे की तरफ अपना नाम अपना दे सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं, ठीक है। और नाम देने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपकी जो भी पुरानी मेल आईडी हैं उनको आप अपने फेसबुक में ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो हम नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे हम स्किप के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हमने स्किप बटन को क्लिक कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको करना है साइन अप। दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों अभी आपको यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी आपके सामने क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्रिएट अकाउंट हो गया है, ठीक है। दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ी सर्चिंग चल रही है, यहाँ पे हम सर्चिंग को चलने देते हैं। दोस्तों बस हमारा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऐसा निशान आ गया, यानी कि हमारा साइनिंग होना शुरू हो गया और यहाँ पे हमारा दोस्तों अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा। अभी सिर्फ दोस्तों 1-2 मिनट लगेंगे, हमारा क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अपना सेव पासवर्ड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना आप रहने भी दें कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने सेव पासवर्ड कर लिया और यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर और आपके पासवर्ड यहाँ पर आपको शो कर देगा और यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक। अभी दोस्तों यहाँ पर हमको कोड आएगा जो भी हमने एक मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मुझे मिल चुका है कोड और यहाँ पे मैं कोड को डाल देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने कोड को डाल दिया और कोड को डालने के बाद आपको कंफर्म के बटन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अभी आपसे पूछ रहा है आप अपनी प्रोफाइल में कोई फोटो लगाना चाहते हैं, अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दोस्तों अभी आपके सामने नीचे दो ऑप्शन आएंगे। अगर आप यहीं पे अभी फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो टेक फ़ोटो पे, अगर आप अपनी गैलरी से फ़ोटो लेना चाहते हैं चूज़ गैलरी फ्रॉम, यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहां पे आप अलाउ कर देंगे। चलिए दोस्तों हम अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऐड गैलरी में चले जाएँगे हम। अभी दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम एक फ़ोटो कोई भी ऐड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमें डन के बटन पे कर देना है क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे तो दोस्तों अपलोडिंग कर रहा है और ये अभी अपलोडिंग कर देगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को बना सकते हैं, जितने भी आप फ्रेंड्स बनाएंगे उतना ही अच्छा है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, आप जितने भी चाहें आप अनलिमिटेड अपने फ्रेंड्स को बना सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड बनाने के बाद यहाँ पर अपने 11 फ्रेंड बना दिया और यहाँ पर इनको रिक्वेस्ट भेज देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कर देते हैं ओके। दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आप फ्रेंड को नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाइए और अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप डन के बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अभी आपका यहाँ पे फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका पूरा का पूरा फेसबुक वर्क करने लगा, ठीक है। दोस्तों ऐसे बनाते हैं फेसबुक न्यू अकाउंट। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको फेसबुक दोस्तों पेज बनाना है और उससे आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो कम्प्लीट दे दूँगा बना के, कि फेसबुक में अकाउंट कैसे बनाया जाता है और फेसबुक में पेज कैसे बनाया जाता है, उसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसमें वीडियोस वगैरह अपलोड कैसे की जाती हैं। दोस्तों अगर आप इसमें कोई पोस्ट डालना चाहते हैं या वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप अपनी स्टोरी लगा सकते हैं और यहीं पर दोस्तों आप टच करेंगे, जैसे कि मैंने टच किया और यहीं पर आपकी पूरी की पूरी दोस्तों जो प्रोफाइल है वो शो हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा बैक यहाँ पर कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो दोस्तों प्रोफाइल है यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप इसके पीछे भी कोई एक फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कवर फोटो पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से, या दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे टेक फ़ोटो कर सकते हैं, अभी आप फ़ोटो अपने सेलेक्ट कर सकते हैं या आप अपनी गैलरी से फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करके फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपना ये फेसबुक आपका पेज बन गया, जो भी आप इसमें दोस्तों वीडियो या फ़ोटो पोस्ट करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शायद आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे शेयर लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के बारे में चाहिए मुझे कमेंट करना, उस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों।